नमस्कार दोस्तों, बोल्स्काय में आपका स्वागत है। पीरियड्स महिलाओं के शरीर को कितना हेल्दी रखते हैं, इस पर स्टडी चल रही है, लेकिन इससे कितनी तकलीफ होती है ये जानने के लिए किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं। हर महिला के पास इसे लेकर अपना तजुर्बा है। अब बहुत सी महिलाएं मेंस्ट्रुएशनल सेपरेशन के जरिए पीरियड्स रोक रही हैं। सबसे पहले आर्मी में काम करने वाली महिला अफसरों के लिए इसकी जरूरत महसूस की गई थी। आपको बता दें, एक हेल्दी महिला जिंदगी के औसतन 40 साल लगभग हर महीने पीरियड्स में बिताती है। इस दौरान रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसका सीधा असर उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी दिखता है। किसी किसी को पेट कमर में बहुत तेज दर्द होता है तो कोई मूड स्विंग की समस्या झेलता है। इन हालातों में काम करना आसान नहीं, खासकर जब सोसाइटी इस दर्द को हल्के में लेती है। यही वजह है कि अब महिलाएं मेंस्ट्रुएशनल सेपरेशन का सहारा ले रही हैं, यानी पीरियड्स को कम या लगभग बंद कराना। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इसका मेथड। मेंस्ट्रुएशनल सेपरेशन वो तरीका है जिसमें गोलियों की मदद से पीरियड्स रोके जा सकते हैं या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। ब्लड फ्लो कम करना भी इसके तहत आता है। ये डॉक्टर की ही निगरानी में होता है और इसके लिए जरूरी है कि महिला या किशोरी का कम से कम एक बार पीरियड आ चुका हो। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इसे कौन करवा सकता है। पीरियड से गुजर रही कोई भी महिला सेपरेशन मेथड अपना सकती है। आमतौर पर डॉक्टर उन्हें ही इसकी सलाह देते हैं जिन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो। कई बार इस दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव ट्रिगर कर काम करते हैं और कई लड़कियों को पेट और सिर में असहनीय दर्द होता है। इन हालातों में भी मेडिकल प्रोफेशनल ये सलाह देते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशनल सेपरेशन की बात उन महिलाओं के लिए हुई जो मानसिक या शारीरिक तौर पर दिव्यांग है, यानी पैरालाइज है, और पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकती। बाद में इसे आर्मी में, खासतौर पर मुश्किल इलाकों में तैनात महिलाओं की जिंदगी आसान करने के तरीके की तरह देखा जाने लगा। हालांकि इन सब के अलावा भी बहुत सी महिलाएं हैं जो पीरियड्स को हर महीने होने वाले झंझट की तरह देखती हैं और इसे रोक रही हैं। अब आपको बताते हैं कि किन तरीकों का ज्यादा चलन है। इसमें सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। इससे पीरियड्स पूरी तरह रुकते नहीं बल्कि फ्लो हल्का हो जाता है। इसमें दर्द भी काफी हद तक सहने लायक हो जाता है। एक तरीका स्किन पैच है, इससे हर 4 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। डेपोप्रोवरा भी एक नया तरीका है जिसमें हर 3 महीने में शॉट लेना होता है। आमतौर पर इसे वो महिलाएं अपनाती हैं जो लंबे समय के लिए या फिर हमेशा के लिए पीरियड्स बंद करवाना चाहती हैं। प्रोजेस्टिन IUD मेथड के तहत डॉक्टर मरीज में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस डाल देते हैं। ये 5 साल के लिए होता है। इस सारे तरीकों में एक बात कॉमन है कि इनसे प्रोजेस्टिन हार्मोन बनता है। ये यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर देता है जिससे पीरियड्स में खून का बहाव हल्का होते होते बंद हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके बाद भी माँ बना जा सकता है। जब तक दवाएं या ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक नहीं, लेकिन इसे रोकते ही माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर कपल रिप्रोडक्टिव तौर पर सेहतमंद हो। हालांकि इस पर अभी स्टडीज चल रही हैं। कई डॉक्टर ये भी मानते हैं कि टीनएजर्स को इससे बचना चाहिए और वही महिलाएं सेपरेशन मेथड पर जाएं जो परिवार बना चुकी हैं। आपको बता दें, कई देशों की महिलाएं कम उम्र में ही मेंस्ट्रुएशनल सेपरेशन का सहारा लेने लगी हैं। आम भाषा में इसे पीरियड्स फिक्सिंग भी कहते हैं। भारत में फिलहाल इसका खास चलन अभी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।